धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था और उसके बाद जेल में बंद पड़े कैदियों के साथ पूरे संसार से अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना का कार्य शुरू हुआ। भगवान श्री कृष्ण संसार से दुखों को दूर करने वाले हैं और उनके माध्यम से हर प्राणी का उद्धार होता है। इसी के चलते मंडी में आर्ट ऑफ लिविंग ने मंडी के जिला कारागार में 7 दिनों के लिए भागवत कथा का आयोजन किया है ताकि जेल में बंद कैदियों को भी प्रभु सिमरन का फल मिले और उनके मन को आत्मिक शांति मिले। आर्ट ऑफ लिविंग के सौजन्य से और जेल प्रशासन के सहयोग से इस कथा का आयोजन जेल के अंदर किया जा रहा है। इस कथा में रोज जेल के 142 कैदी भागवत कथा का आनंद उठाएंगे। कथा को शुरू करने से पहले संस्था के द्वारा पवित्र ग्रंथ के साथ पानी के कलश भरे गए और जेल तक महिला पुरुषों के द्वारा एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसके उपरांत जेल के गेट पर जेल पुलिस की महिला कर्मी के द्वारा भगवान भागवत का विधिवत स्वागत किया गया। इस अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्य हितेश ने बताया कि गुरु रविशंकर जी का संदेश है कि धरती पर रहने वाला हर एक प्राणी सुखी रहे। इसी के चलते हिमाचल प्रदेश में पहली बार मंडी जिला की जेल में कैदियों के लिए भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने इस मौके पर जेल प्रशासन का इस अनुकंपा के लिए आभार भी व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा समय समय पर जेल में बंद कैदियों के लिए विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित शिविरों का आयोजन करवाया जाता है। इन सभी कार्यों का एक ही उद्देश्य है कि जिन लोगों से कभी कुछ गलत कार्य किए हैं तो उन्हें जीवन में एक बार सुधरने और सत्कर्मों की तरफ प्रेरित करना है। एनएसएस के राष्ट्रीय शिविर में इस बार विजय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र मंडी के 2 विद्यार्थी हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन दोनों विद्यार्थियों ने हाल ही में शिमला जिला के सुन्नी में हुए प्रदेश स्तरीय शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसके आधार पर इनका चयन राष्ट्रीय शिविर के लिए किया गया है। स्थानीय पाठशाला के प्रधानाचार्य परसराम सैनी ने इन विद्यार्थियों को इस कामयाबी के लिए बधाई दी है, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की है। राष्ट्रीय शिविर योजना के लिए चयन होने पर विजय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के ये दोनों छात्र काफी उत्साहित हैं और इनका दावा है कि ये कड़ी मेहनत करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के विरोध में देश भर में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हिमाचल के बैंकों में भी हड़ताल से कामकाज प्रभावित रहा। हड़ताल के चलते दीपावली के दौरान पैसों के लेन देन को लेकर कारोबार प्रभावित होने के आसार हैं। वहीं इसका सोलन के बैंकों में भी काफी असर देखने को मिला। सोलन में भी पीएनबी और एसबीआई के बैंकों में स्टाफ द्वारा हड़ताल की गई, जिस कारण लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वहीं बैंक से निराश खाली हाथ लौटने वाले लोगों का कहना है कि बैंक में हड़ताल होनी थी तो इसके लिए आम जनता को कितनी परेशानी हो सकती थी, इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए था। लोगों का कहना है कि त्योहारों का सीजन है, शादियां हैं, ऐसे में हर घर में पैसों के लेन देन की जरूरत होती है, लेकिन ऐसे में बैंकों का हड़ताल करना लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। त्योहारों के सीजन में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जिला प्रशासन अब सख्त हो चुका है। सुरक्षा की दृष्टि से सभी नियमों की पालना हो, इसके लिए सख्ती अमल में लाई जा रही है। यातायात पुलिस के प्रभारी की अध्यक्षता में कोटला नाला, लक्कड़ बाजार और सर्कुलर रोड पर सड़क किनारे खड़े किए गए वाहनों का चलान किया गया। वहीं जो दुकानदार अपनी दुकानें सड़कों पर लगा रहे थे, उन्हें भी हिदायत दी गई कि वे दुकान का सामान सड़कों पर ना लगाएं। इन चलानों से जहां व्यापारियों में रोष दिखा, वहीं पैदल चलने वाले लोग खुश भी नजर आए। अधिक जानकारी देते हुए राकेश कुलेरिया यातायात प्रभारी ने बताया कि उन्हें काफी समय से शिकायतें मिल रही थी कि सड़कों के किनारे खड़े वाहनों से उन्हें चलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आजकल क्योंकि त्योहार चल रहे हैं, इसलिए बाजारों में लोग भी बाजारों में ज्यादा आते हैं, इसलिए उनकी सुविधाओं को देखते हुए कोटला नाला, लक्कड़ बाजार और सर्कुलर रोड पर दोपहिया वाहनों के सख्ती से चलान किए गए हैं।
सोलन के व्यापारी जहां बीते वर्षों में त्योहारों पर खुश नजर आते थे, आज उनके चेहरों पर से खुशी गायब हो चुकी है। दुकानें जो पहले ग्राहकों से भरी रहती थी, आजकल बिल्कुल वीरान और सुनसान पड़ी हैं, जिसके चलते व्यापारियों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। ये हाल केवल एक मार्केट का नहीं बल्कि सोलन शहर के करीबन सभी बाजारों का यही हाल है। दुकानदार जो पिछले काफी दशकों से व्यापार कर रहे हैं, उनकी माने तो उन्होंने पहली बार इतनी ज्यादा मंदी का सामना किया है। व्यापारियों ने कहा कि पिछले 3-4 वर्षों से व्यापार लगातार घट रहा है। रोजगार के साधन घट रहे हैं, अगर यही स्थिति बनी रही तो उन्हें अपना पुश्तैनी व्यापार भी बंद करना पड़ सकता है। व्यापारियों ने भारी चिंता के साथ मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी और बताया कि जो चहल पहल पहले त्योहारों पर होती थी, वो नजर नहीं आ रही है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोगों की त्योहारों पर रुचि कम हो गई है और वे या तो खरीदारी नहीं कर रहे हैं या वे ज्यादातर ऑनलाइन ही सामान मंगवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में उन्हें घर चलाना बहुत मुश्किल हो चला है, यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि वे जल्द ही इस मंदी से निपटने के लिए कोई कारगर योजना बनाए, अन्यथा सब कुछ चौपट हो जाएगा।